हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार से चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो पीएचडी से रिलेटेड है। बिहार में स्थित एमजीसीयूबी जो यूनिवर्सिटी है, उसने जो है वो पीएचडी नोटिफिकेशन निकाला है। अगर आप पीजी कंप्लीट कर चुके हैं और आप पीएचडी में एनरोलमेंट चाहते हैं या पीएचडी में एडमिशन चाहते हैं, तो एक ये बेहतरीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे आप जो है वो एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप मेरी किसी भी वीडियोज को मिस ना कर सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं वो वीडियो। तो इसके लिए आपको गूगल टाइप ओपन करना है, गूगल पे आपको टाइप करना है MGCUB। जैसे ही आप MGCUB टाइप करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा, जिसमें जो MGCUB जो यूनिवर्सिटी है वो उसका लिंक ओपन हो जाएगा या वेबसाइट। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार। तो जैसा कि मैं बता दूं, ये जो यूनिवर्सिटी है बिहार में स्थित है। तो अब आपको क्लिक करना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, www.mgcub.ac.in। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो नया विंडो ओपन होगा, नया विंडो ओपन होगा। तो इस नए विंडो पे आप देख सकते हैं जो MGCUB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो गई है। इसके बाद तुरंत एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें उन्होंने बताया महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसके साथ यार आप यहाँ से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ कॉलेज एजेंडा में यहाँ से आप एडमिशन नोटिस देख सकते हो, और यहाँ पे डायरेक्टली आप एडमिशन पे जाके अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली आप। तो हम लोग इसे क्लोज करते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं, जो ये लिंक ओपन हुआ था एप्लीकेशन का वो 7 जुलाई को ओपन हुआ था, लेकिन जो क्लोजिंग लिंक था वो फ्राइडे 31 जुलाई था। लेकिन इन्होंने अब क्या किया है, कोविड-19 की वजह से जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेडलाइन है उससे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं वो नोटिफिकेशन। तो इसके लिए आपको जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा लेटेस्ट एट दी रेट MGCUB। तो यहाँ पे आपको जाके व्यू ऑल पे जाना है। व्यू ऑल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है वो आपको दिखेंगे। तो इसमें जो अभी 30 जुलाई 2020 को एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, जिसमें उसने बताया कि एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन इंक्रीज। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो इस नोटिफिकेशन में जैसा कि मेंशन किया गया है, दिस इज विद द रेफरेंस टू एडमिशन नोटिस 2021 डेटेड 6 जुलाई 2020 एंड इन प्रोस्पेक्टस व्हिच इज इशूड बाय द MCGUB। तो इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, तो आप देख सकते हैं कोविड-19 जो कि पेंडेमिक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो लास्ट डेट है उसे बढ़ा के 16 अगस्त कर दिया गया है। तो 16 अगस्त जो है वो आपकी लास्ट डेट है। तो अभी अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो यहाँ पे आप पीएचडी और पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अब हम देख लेते हैं इसका जो प्रॉस्पेक्टस है, तो प्रॉस्पेक्टस देखने के लिए स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन सेवन नंबर पर मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप प्रोस्पेक्टस भी देख सकते हैं, एडमिशन नोटिस भी देख सकते हैं, और यूजुअल मैनुअल फॉर ऑनलाइन अप्लाई है, वहाँ पे मैनुअल दे रखा होगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है आपकी कोर्सेज के लिए। तो इसका प्रोस्पेक्टस देख लेते हैं। तो प्रोस्पेक्टस देखेंगे तो प्रोस्पेक्टस में देखिए पूरा ओपन हो गया। तो हम लोग इसका जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है एप्लीकेशन फी, जो कि 49 पे। तो हम डायरेक्टली देखते हैं एप्लीकेशन फी कितना है इस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करने के लिए। तो देखिए, जनरल ओबीसी या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो जो आपका एप्लीकेशन फी है वो 500 रहेगा। तो अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सेपरेट सेपरेट फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, और जो एप्लीकेशन फी होगी वो भी सेपरेट होगी। और इसमें मेंशन किया गया कि मैक्सिमम आप 4 प्रोग्राम के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आप 4 प्रोग्राम के लिए सेपरेटली सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं अगर आप जो है एलिजिबल हैं। तो उसके बाद SC ST के लिए 200 फी है, अगर कोई इंटरनेशनल एप्लीकेंट या फॉरनर है उनके लिए 3,500 फी है। वहीं अगर बात करें PW एप्लीकेंट की तो उनकी निल फी है। इसके साथ ही साथ इन्होंने जो पैटर्न और सिलेबस दे रखा है एंट्रेंस एग्जाम का, वो भी आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं या पैटर्न देखना चाहते हैं कि एग्जाम में क्या पैटर्न आएगा या क्या सिलेबस, तो आप www.mccub.ac.in पर जाके देख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ और आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, आई थिंक बाकी सब तो
हाँ तो यहाँ पे इन्होंने इंट्रेंस एग्जाम जैसे सेंटर भी दे रखे हैं, तो गुवाहाटी, मोतिहारी, पटना, न्यू देहरी, बीरगंज, पूर्णिया, कोलकाता, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी। तो अगर आपके घर के पास जो भी सेंटर्स अवेलेबल हैं तो आप वो सेंटर जो है एज अ फर्स्ट चॉइस दे सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम ना आए, और आप यहाँ पे एटलीस्ट 3 जो चॉइस ऑफ सेंटर्स हैं वो जो है फिलअप कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। इसके बाद कुछ एकेडमिक कैलेंडर भी दे रखे हैं कि ऑड इवन सेमेस्टर, यानी कि यहाँ पे ऑड इवन सेमेस्टर है इस यूनिवर्सिटी में, जो कि यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन थे या इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।